आजमाएंगी नहीं? अरे लुत्फ उठाइए मोहतरमा। लाजवाब मुश्ताक भाई, ये इत्र मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया। ऐसा जादू करेगा ये इत्र कि आपकी रूह महक उठेगी, गुल बदन चाहत में थिरक उठेगा। अरे बस बस मुश्ताक भाई। नहीं, अब कोई बस नहीं बोलेगा, ना आप और ना वो। दुनिया में हर मर्ज की दवा है और उस दवा का नाम है मुश्ताक। जिंदगी में जब भी तकलीफ हो ना, बिना तकल्लुफ के मेरे पास आ जाना, बंदा बना ही खिदमत के लिए है। जी मुश्ताक भाई, आदाब। आदाब। ये कौन सा है? हाँ वाजिद बोल। मुश्ताक भाई जल्दी अपने घर पहुंचिए, जल्दी। क्यों, क्या हुआ वाजिद? मुश्ताक भाई, आफरीन शायद बेहोश हो गई है, उसकी सांस नहीं चल रही है, किसी ने शायद हमला किया आपकी बेटी पर। हमला आफरीन पर? क्या बक रहा है, हसीना कहाँ है? मुश्ताक भाई, हम सब आपके घर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, इब्राहिम अभी रिक्शा लेने गया, आप जल्दी आइए। आफरीन, आफरीन, उठना मेरा, आफरीन, आफरीन आँख खोला, आफरीन खोला। हटी, हसीना वापिस आप मेरे साथ अस्पताल चली, चल। बल्कि तू जा, मैं जफर को संभालूंगी। हटी, हटी, जल्दी, हटी। भाई साहब, जल्दी, जल्दी, जल्दी। डॉक्टर, नर्स, कोई है? मैडम, देखिए, बच्ची की सांस रुक गई है मैडम, डॉक्टर बुलाइए जल्दी। बच्ची तो मर चुकी है। जी डॉक्टर, मुझे बाहर देखते ही लगा था। गले पर स्ट्रैंगुलेशन के निशान है, पुलिस को फोन करो तुरंत। ये कौन चाहिए? बोलिए ना कौन चाहिए? कौन था वो कमीना? मेरी मासूम बच्ची को किसने मार डाला? किसी को पता नहीं मुश्ताक भाई, जब हसीना भाभी चिल्लाई तो हम सब इकट्ठा हुए। हमको तो वही लगा था कि आफरीन की सांसें रुक चुकी हैं। मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ। हसीना जी, हुआ क्या? आप घर पर थी, बच्ची घर पर थी, दरवाजे पर कौन आया? आफरीन को दरवाजा क्यों खोलना पड़ा? सी तुम उस वक्त क्या कर रही थी? मैं कपड़े धो रही थी जी। अम्मी मैं देखती हूँ, जा। ना मैंने कुछ देखा ना मुझे कुछ सुनाई दिया, कुछ पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद जब मैंने आफरीन को आवाज लगाई ये पता करने के लिए कि दरवाजे पे कौन आया है, वो जवाब ही नहीं दे रही थी। आफरीन, आफरीन कौन आया दरवाजे पे? आफरीन जवाब क्यों नहीं दे रही है, कौन आया है? ये लड़की भी ना, आफरीन, आफरीन, आफरीन बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? आफरीन, क्या हो गया तुझे? मैं चिल्लाती रही लेकिन आफरीन एकदम खामोश थी, बेहोश। हसीना भाभी की आवाज से ही हम सब इकट्ठा हुए, मैंने ही मुश्ताक भाई को फोन किया था। आप दोनों में से किसी ने भी मुश्ताक के दरवाजे पे किसी को नहीं देखा? जी नहीं मैडम, हम जब वहां गए तब वहां कोई नहीं था। मैं तो मुश्ताक भाई के बगल में ही रहता हूँ, काम से लौटकर घर में लेटने जा रहा था, अचानक मैंने हसीना भाभी की चिल्लाने की आवाज सुनी। साहब ये है मुश्ताक भाई का घर। यहाँ मैडम, आफरीन यहीं गिरी हुई थी। हसीना भाभी आफरीन को गोद में लेकर यहाँ बहुत रो रही थी, चिल्ला रही थी बहुत। हसीना और मुश्ताक का एक और भी बच्चा है ना? जी मैडम, जफर नाम है उसका, 2 साल का है, यहीं नाजिया भाभी के साथ है, इब्राहिम भाई की बीवी। साहब दोपहर का वक्त था, सब खा पी के सुस्ता रहे थे, कोई भी अपने घर के बाहर नहीं था, किसी ने नहीं देखा कि मुश्ताक के घर पे कौन आया था। देखा होता तो जरूर पकड़ लेते साहब। और साहब आफरीन चिल्लाई तक नहीं कि किसी को कुछ सुनाई देता, वरना हम तो यही सामने रहते हैं। किसी को कुछ सुनाई भी कैसे देता साहब, जब घर के अंदर आफरीन की अम्मी हसीना तक को कुछ सुनाई नहीं दिया।
शुरुआत गला घोटने से हुई थी। बच्ची का विंड पाइप पूरी तरह से चोक्ड हो चुका था। अभी तक जो पता चला उससे तो लग रहा है कि बच्ची आफरीन ने कोई शोर नहीं मचाया, क्योंकि बाथरूम में कपड़े धोती हुई इसकी माँ हसीना ने कुछ नहीं सुना, और ना ही मोहल्ले में किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। मैं डिटेल एनालिसिस के लिए बॉडी फॉरेंसिक टीम को भेज देता हूँ। सर लगता है आफरीन की माँ हसीना सच नहीं बोल रही है। क्यों, क्या गड़बड़ है? सर हसीना ने कहा था कि हादसे के वक्त वो बाथरूम में कपड़े धो रही थी। हाँ तो? पर सर बाथरूम में तो किसी भी तरह के कपड़े नहीं दिखे, ना मैले और ना ही धुले। सर बाथरूम तो एकदम सूखा पड़ा है और तार पे सारे कपड़े भी सूखे पड़े हैं। तो फिर हसीना से पूछते हैं कहाँ है वो कपड़े जो वो धो रही थी। कौन आया था हसीना? सच में तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? कितनी बार पूछोगे मुश्ताक, सच में कोई आवाज नहीं सुनाई थी। आफरीन भी नहीं चिल्लाई, मेरा यकीन करो। सर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है जो हसीना छुपा रही है। वो सीसीटीवी यहाँ जो भी आया गया होगा, अगर आया था तो सीसीटीवी में जरूर कैप्चर हुआ होगा। वो तो इब्राहिम भाई का घर है साहब। जी वो सीसीटीवी मेरे शौहर ने लगवाया है। ये सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग कहाँ रहती नाजिया? जी वो तो सोहेल के अब्बू को ही पता होगा। 8 साल की मासूम बच्ची आफरीन की मौत का केस अब सर के बल उलटने वाला था। सिर्फ हसीना के अविश्वसनीय बयान की वजह से नहीं, बल्कि इब्राहिम शेख के घर के बाहर लगे सीसीटीवी की वजह से भी, जिसने आफरीन की मौत के राज को और भी गहरा कर दिया। इब्राहिम के बीच के 28 मिनट का फुटेज कहाँ गया? वो छपा नहीं साहब, कैमरा बंद हो गया था बीच में कुछ देर के लिए। ठीक उसी टाइम पे जब हसीना के हिसाब से उसके दरवाजे पे कोई आया था जो शायद हत्यारा हो सकता है। मैडम ऐसा है कि मेरा बेटा सोहेल वो 2 बजे उसका एक प्रोग्राम आता है, तो वो टीवी ऑन करने के चक्कर में गलती से सीसीटीवी ऑफ हो गया। मैडम सोहेल से अक्सर ऐसी गलती हो जाती है। जैसे ही हसीना भाभी चीखी तो आवाज़ सुनकर मैं बाहर आया तो देखा कि सीसीटीवी ऑफ हो गया। क्या हो गया तुझे? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कैसी आवाज़? ये तो हसीना भाभी की आवाज़ है। सोहेल तूने फिर से सीसीटीवी ऑफ कर दिया? गलती हो गई अब्बू। करते क्या हो तुम इब्राहिम? कारपेंटर हो साहब। रोज दोपहर काम से घर आते हो? हाँ ज्यादातर आता हूँ मैडम, खाना खा के सो लेता हूँ, फिर शाम को चाय पी के चले जाता हूँ, फिर रात को लौटता हूँ। फिर भी हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी जी साहब, जो भी है वो निकलवा के देता हूँ साहब। सर साधारण आमदनी का कारपेंटर और घर के पास सीसीटीवी कैमरा? हाँ अजीब तो है, और इस बच्ची की माँ हसीना का बयान भी झूठ मालूम हो रहा है। तुम सही कह रही थी नुसरत, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। दुआओं का कुछ तो असर होता ही है, देखते हैं क्या असर होता है। हसीना सैयद, हमें गीले कपड़े ना तो तुम्हारे घर के बाथरूम में मिले हैं और ना ही तार पर। जब आफरीन का कत्ल हुआ तुम कपड़े नहीं धो रहे थे। ये नाटक करना बंद करो हसीना, अब तक तुम हमसे सिर्फ झूठ बोलती आई हो। मैं सच बोल रही हूँ। क्या तुम कपड़े निचोड़ कर सुखा कर सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद अपनी बच्ची आफरीन को देखने गई थी, या फिर जानबूझकर आफरीन की आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रही थी, उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया? हसीना क्या नाटक लगा के रखा ये? मैं कपड़े नहीं धो रही थी। तो क्या कर रही थी? कौन आया था दरवाजे पर? या कोई आया ही नहीं, बेल बजी ही नहीं? ये क्या बोल रहे हैं? कोई आया था, बेल बजी थी, आफरीन गई थी दरवाजा खोलने के लिए। तुम अब भी कहानी बना रही हो हसीना, सच बोलो वरना इतना याद रखो कि जिस तरह से तुम झूठे कपड़े धो रही थी ना,
वैसे हम तुम्हें धोकर सच सामने ला सकते हैं। मैं इस बार सच ही बोल रही हूँ। दरअसल मैं अंदर के कमरे में सो रही थी। आफरीन जरा देख दरवाजे पे कौन है। अम्मी मैं गुड्डा गुड्डी के लिए खाना पका रही हूँ, मैं अभी नहीं जाऊंगी। हाँ तो रोक देना दो मिनट, जा जाकर देख क्या कौन है दरवाजे पे, जा। मैं गहरी नींद में थी साहब, आफरीन को दरवाजा खोलने के लिए भेजकर फिर से सो गई थी। कुछ 5 मिनट बाद मेरी आंख खुली तो देखा आफरीन नहीं थी। आफरीन, आफरीन कौन आया दरवाजे पे? आफरीन, आफरीन जवाब क्यों नहीं दे रही है? लड़की भी ना परेशान करके रखा है। आफरीन, आफरीन, आफरीन क्या हो गया तुझे? आफरीन, पहले कहा कि कपड़े धो रही थी, अब कह रही हो कि सो रही थी। क्या वाहियात कहानी, इतनी गहरी नींद कि तुमने अपनी 8 साल की बच्ची की आखिरी चीखे तक नहीं सुनी। ये गहरी नींद नहीं, गहरी साजिश है। नहीं साहब, ठीक है, ऐसा ही हुआ था। देखो हसीना, तुम्हारी पकाई दोनों कहानियां ना एकदम फीकी है। हम नमक मिर्च लगाकर असली कहानी भी बाहर निकाल सकते हैं। एक और मौका देते हैं, सच सच बताओ। मैं सच ही बोल रही हूँ। मैं दरअसल डर गई थी कि मेरे शोहर मुझ पर बरसेंगे कि आफरीन को दरवाजा खोलने के लिए मैंने क्यों भेजा, इसलिए तब मैंने झूठ बोला था, लेकिन अब सच बोल रही हूँ। सच तो तुम अब भी नहीं बोल रही, कोई बैल बजी नहीं, दरवाजा खुला ही नहीं, तुमने खुद अपने हाथों से आफरीन का गला घोटा। आप क्यों मुझ पे इतना भद्दा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं अपनी बेटी की जान क्यों लूंगी? ये तुम हमें बताओगी। तुम्हारा पड़ोसी इब्राहिम शेख, उसे घर के पास सीसीटीवी कैमरा क्यों लगा है? मुझे क्या मालूम। वो सीसीटीवी कैमरा उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल किया गया? मुझे नहीं पता ये सब। सब पता है तुम्हें, इब्राहिम ने जानबूझकर वो सीसीटीवी बंद किया ताकि सबूत ना रहे। किस सबूत के बारे में बात कर रही है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? तुम बोलो हसीना, क्या चल रहा है तुम्हारे इब्राहिम के बीच में? तुमने और इब्राहिम ने मिलकर नाटक रचा था ना, असल में तुम्हारे घर के बाहर कोई आया ही नहीं था। ये झूठ पकड़ा ना जाए इसीलिए सीसीटीवी कैमरा एंड टाइम पे बंद किया गया। क्या पकड़ा है तुम्हारे इब्राहिम के बीच में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पर आप लोग ख्याली खिचड़ी पका रहे। रत्ती भर का लिहाज नहीं है कि आप एक माँ से बात करें जिसकी बेटी का अभी कत्ल हुआ है? इस बात को समझते हैं आप लोग? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हसीना ने किया होगा। जब पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे हम लोगों को तभी बता देना चाहिए था। तो अभी बता देते हैं ना, मोहल्ले से बाहर कर देते हैं उस चुड़ैल हसीना को। और ये नाजिया के घर का क्या माजरा है? उसके शौहर इब्राहिम ने सीसीटीवी क्यों लगाया और वो ऐन वक्त पर बंद कैसे हो गया? सॉरी अम्मी। चुप, सॉरी के बच्चे। अगर किसी ने पूछा तो क्या बोलेगा? क्या बोलूं, आप ही बोलो। यही बोलना कि सीसीटीवी का स्विच तूने बंद किया था, समझा? कभी भी कोई भी तुझसे कुछ पूछे सिर्फ यही बोलना। जी अम्मी, लेकिन गलती से हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला। आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम मोहल्ले के बीचों बीच मार मार कर उसे सच उगलवाएंगे। आप बाहर निकालिए उसे। मुश्ताक भाई, इस बेरहम औरत को आपको घर से पहले ही निकाल देना चाहिए था। मैंने अपनी आफरीन को खोया और इस वक्त मुझ में ये सब बातें करने की ताकत नहीं है। तो जुटाइए ताकत और हटाइए उसे। आप अपने इत्र की खुशबू में इतने खो गए मुश्ताक भाई कि अपने घर में पनप रही सड़न को सूंघ नहीं पाए। बाहर निकालिए उसे, अभी के अभी निकालिए। औरत जात समझ कर पुलिस वाले नरमी से पेश आते होंगे, लेकिन हम मोहल्ले की औरतें दिखाएंगे उसे कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। अरे वो सिर्फ नाम की हसीना है, अंदर से बसूरत है, बसूरत। मैं पुलिस बुला रहा हूँ। डायनो के लिए कोई जगह नहीं है हमारे मोहल्ले में। बुलाइए उसे। अगर बाहर नहीं भेजा तो हम अंदर आ जाएंगे, मार मार कर निकालेंगे उसे। सब जल्दी आइए, फसाद होने को है। अगर हसीना इनके हाथ आ गई तो ये लोग उसे जान से मार डालेंगे। बाहर निकालिए हसीना को, निकालो हसीना को बाहर। सर भीड़ बिखर गई है, लेकिन एक खबर सामने आई है। ये जो हसीना है वो आफरीन की सौतेली माँ थी और मोहल्ले के हर बंदे का यही कहना है कि हसीना आफरीन के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। एक किलो चावल है आफरीन,
जो दुकानदार ने राशन नहीं दिया था वो मैं ले आई अम्मी। और आधे रास्ते में गिराते हुए आई है, पैकेट फटाई दिखाई नहीं दिया, अंधी हो गई है क्या? तेरे अब्बू तेरे स्कूल पर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं फेल होने के लिए। मुझे पढ़ाएंगे प्रसन्न, पर फेल कब आई हूं मैं? तो क्या इंतजार कर रही है फेल होने का? इतने कम नंबर फेल बराबर ही होते हैं। अब्बू से कहकर ना तेरा स्कूल ही छुड़वा देती हूँ, फिजूल पैसों की बर्बादी है। मुझे स्कूल पसंद है पर पढ़ाई नहीं। चुप कर। बढ़िया ही शहजादी साहब, ये बाप ने पसंद ना पसंद। सर हसीना का कोई ना कोई कनेक्शन पक्का है आफरीन के मर्डर से। हाँ हसीना का इन्वॉल्वमेंट तो रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ कोई और भी रहा हो, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से आफरीन का गला घोटने वाले हाथ शायद किसी मर्द के हैं। डिटेल एनालिसिस हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि विक्टिम के गले पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनकी साइज देखकर ऐसा लगता है कि गला दबाने वाले हाथ शायद किसी आदमी के थे। इसका मतलब है घर में वाकई कोई आया था, या शायद पहले से मौजूद। और यह हसीना कहानी बन रही है कि उसे मालूम ही नहीं कि कौन आया था। मुश्ताक जी, आफरीन की बॉडी दोपहर 2 बजे तक आपके हवाले कर दी जाएगी। उसे घर कैसे लाऊं? जनाजा कैसे उठेगा? मोहल्ले वाले तो... उसकी फिक्र आप मत कीजिए, हम मोहल्ले में बंदोबस्त ड्यूटी लगवा देंगे। लेकिन अच्छा ये रहेगा कि हसीना उस वक्त यहाँ ना रहे, हम उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वैसे भी उससे हमें काफी सवालात करने हैं। अपने घर के बाहर तुमने सीसीटीवी कैमरा लगाया, कोई खास वजह? हिफाजत के लिए लगाया मैंने। आप तो जानते ही कि कितने बच्चों को उठा लिया जाता है, घरों में चोरियां होती, डर था मुझे भी, इसलिए लगाया मैंने साहब। तुम्हारे बच्चों को किससे खतरा है? तुम्हारे घर में ऐसी कौन सी कीमती चीज है जिसके चोरी होने का तुम्हें डर है? एन मौके पे सीसीटीवी किस डर से बंद कर दिया? अब ये मत बोलना इत्तेफाक से हुआ, दम नहीं है झूठ में। झूठ नहीं बोला साहब। क्या साहब, आप लोग तो बोलते हो, वो टीवी में क्राइम पेट्रोल में भी कहते हैं कि सतर्क रहो सतर्क रहो, सीसीटीवी लगाओ, फिर एक आदमी लगाया तो उसी की क्लास ले रहे हो। क्लास इसलिए नहीं ले रहे कि सीसीटीवी क्यों लगाया, एक कांड हुआ और एन मौके पर सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, इसके लिए क्लास ले रहे। अब तुम ये बताओ सीसीटीवी कैमरा बंद हुआ या बंद किया गया? साहब मैंने पहले भी बोला आपको कि सोहेल से गलती से बंद हो गया था टीवी ऑन करते वक्त। तूने अपने काम की जगह पे तो सीसीटीवी लगाया नहीं, अपने घर पे लगाया, कोई खास वजह तो रही होगी? आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? आप लोग पकड़िए ना हसीना भाभी को, सारा मोहल्ला जानता है कि झूठ बोल रही, कोई आया होगा उसी से मिलने। कौन था वो? कहीं वो तू ही तो नहीं था? तौबा साहब तौबा, ऐसा करना क्या, सोचना भी गुनाह है। आप लोग जाइए पूछिए मुश्ताक भाई से, क्या उनको नहीं मालूम था कि हसीना भाभी चिढ़ती थी आफरीन से, पति ने मां जो थी। लेकिन घर वाला, तुम्हारा घर वाला मुश्ताक, वो भी तुम पर उंगली उठा रहा है, वो भी झूठा है। मैं जानना चाहता हूँ कि हसीना ने क्यों मार डाला मेरी नन्ही सी बच्ची को, हसीना को तोड़ तोड़ कर सब सच उगलवाया, मैं ही अंधा था जो अब तक अंधा बना रहा। नन्ही सी बच्ची मेरी परी बलि चढ़ गई हसीना की साजिश में। परवेज, परवेज बेग नाम है उसका, उसी के साथ मिलकर मेरी बीवी हसीना ने ये साजिश की है। कौन है ये परवेज बेग? कभी दोस्त हुआ करता था मेरा, लेकिन मैं ही मिला उसे पीठ में खंजर भोंकने के लिए। उस्ताद जी जरा खुल के बताएंगे इस परवेज बेग का आफरीन के मर्डर से क्या ताल्लुक है, आपकी बीवी से इसका क्या ताल्लुक है, और आपको क्या लगता है उस दिन ये खुद आपके घर आया था या फिर इसे बुलाया गया था? परवेज ही हसीना को मेरी जिंदगी में लेकर आया था 4 साल पहले, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि ये एक चाल थी। बुखार तो काफी कम हो गया परवेज भाई,
और आपकी तबीयत भी पहले से बेहतर लग रही है। ये आपका अंदाज है कहने का कि दफा हो जाइए, कोई ना चले जाते हैं। हम तो चाहते हैं सब यहाँ से जल्द चले जाए पर ठीक होकर। भाई मुश्ताक मियां, मोहतरमा तो हमें धक्के मार मार के अस्पताल से निकाल रही है। वार्निंग मिली है कि आज ही क्या दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी सारी दवाइयाँ फाइल में लिख दी है परवेज भाई जी, वक्त से लेते रहिएगा। सभी मरीजों का बहुत ख्याल रखती हैं। बहुत अच्छी खातून है, नेक दिल और खुश मिजाज और खूबसूरत भी है। हाँ नहीं मतलब। हाँ नहीं मतलब मियाँ। अरे भाईजान कहिए तो बात चलाए। अरे परवेज मियाँ खुद भी पिटोगे और मुझे भी पिटवाओगे। हम कोई गलत बात चलाने की थोड़ी बात कर रहे हैं, नेक नियत है और हम तो उनसे बात कर भी चुके हैं। अकेली रहती है मोहतरमा। पर मैं अकेला नहीं रहता, आफरीन रहती है मेरे साथ। इसलिए तो आफरीन को अम्मी की जरूरत है और आपको एक हम सफर की, एक तीर और दो निशान है। बोलिए क्या कहते हैं। परवेज की मदद से एक महीने में हमारा निकाह होगा और मेरे जिगर के टुकड़े आफरीन को हम दोनों मिलकर प्यार से पालने लगे। आप परवेज की साजिश के बारे में कुछ बता रहे थे। नहायत ही भद्दा और कमीना इंसान निकला है परवेज। मैंने उसे हमेशा अपना दोस्त समझा। मैं उसका शुक्रगुजार था कि उसने मुझे हसीना से मिलवाया, लेकिन मिलन तो कहीं और ही चल रहा था। पहले मेरी पीठ के पीछे और फिर मेरी नाक के नीचे। दोस्त था तो सीधे पूछने में हिचकिचाहट होती थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं क्या नहीं, लेकिन अंदर तो मालिक जैसे जैसे लावा उमड़ रहा था। फिर भी पहले तमीज से परवेज से गुजारिश की और फिर हसीना से कि हमारा इस्तेमाल मत करो, हमें मजाक मत बनाओ पूरे मोहल्ले में सारी बिरादरी में। फिर क्या कहा दोनों ने। बोले गलत फहमी है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन था मालिक और है। मैं कभी बेइज्जती के डर से बता नहीं पाया। मैं तो लगता है कि सफर भी हम दोनों का ही बेटा है, हमारा नहीं। पूरी दुनिया हमें बता चुकी थी कि हसीना आफरीन के साथ बदसलूकी करती, गंदा बर्ताव करती, जैसी वो दिखती वैसी है नहीं। लेकिन ना जाने हम किस उलझन में रह गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि किस पर भरोसा करें और किस पर नहीं। सा आज मैं भुगत रहा, ना जाने मेरी बेटी उन चंद लम्हों में क्या भुगती होगी जब उसका कत्ल हुआ था। परवेज और हसीना को भी वैसी तकलीफ मिलनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसे मेरी बेटी ने भुगती थी। साहब सदमे से मुश्ताक सठिया गए हैं। और मोहल्ले वाले वो भी सठिया गए हैं। साहब वो बाहर वाले हैं, जलते हैं मुझसे। मेरा यकीन मानिए, हाफरीन कभी मेरे सौतेली थी ही नहीं। 4 साल से मेरे और उसके बीच में एक माँ बेटी का रिश्ता रहा है। और परवेज के साथ कितने सालों से और कैसा रिश्ता है तुम्हारा हसीना? साहब कल आफरीन के जनाजे में जिस नफरत के साथ मुश्ताक मुझे घूर रहा था, तभी मैं समझ गया था कि उसका अगला कदम क्या होगा। ठीक वही हुआ, पर मुझ पे लगा इल्जाम बेबुनियाद है। इल्जाम लगा तो है परवेज, अब तुम खुद तशरीफ लाओगे या हम आए तुम्हें लेने? और भागने की तो सोचना भी मत। साहब भदोही मंडी में मेरी सालों से कालीन की दुकान है, तो भागने वागने का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे कालीनों की तरह मेरा दामन भी बेदाग है, मैं भी पहुंचता हूं आपके पास थाने। साहब बीवी पे शक मुश्ताक को था, ठीक है आगे बोलो शक। तो फिर मुश्ताक की जगह बगल में रहने वाले इब्राहिम ने सीसीटीवी क्यों लगाया था? शायद मुश्ताक ने उससे कहा इन दोनों की आपस में कोई सेटिंग हो। लेकिन ऐन मौके पे सीसीटीवी तो बंद पड़ेगा था इब्राहिम का। हम इस बच्चे सोहेल से भी बात करने वाले, लेकिन है तो बच्चा ही, डर और दबाव में होगा। ये सारा खेला इब्राहिम का लग रहा है, कोई अलग सा प्लान या फिर मुश्ताक का या फिर हसीना का परवेज के साथ मिलकर। अशफाक एक काम कर, अंदर तक घुस, यहाँ कुछ भी सीधा नहीं लग रहा है। उस बच्ची आफरीन की असली माँ कौन थी इसका पता लगा, उसके साथ क्या हुआ था सब कुछ। ये मुश्ताक जो भी कहानी पहलेगा अपने फायदे के लिए पहलेगा, और इस इब्राहिम कारपेंटर का पूरा चिट्ठा निकला। मेरा असली नाम हर्षा गुप्ता है। तो परवेज ने तुम्हें हसीना बनाया और तुमने मुश्ताक को फंसाया? जी नहीं, मेरी पहली शादी टूट चुकी थी, मैं अकेली थी। मुझे मुश्ताक अच्छा लगा, वो कमाता भी अच्छा था। परवेज को मैं परवेज भाई बोलती हूँ, भाई।
उन्होंने बस हम दोनों को मिलवाया, बाकी सब कुछ हमारी मर्जी से ही हुआ है। मैं हर्षा से हसीना बनी, अपना नाम बदला, अपना धर्म बदला, मुश्ताक से निकाह किया, आफरीन को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश की। हाँ, मोहल्ले की दूसरी औरतें तुम्हारी मिसालें देती हैं कि माँ हो तो हसीना जैसी। खाने मारना कितना आसान होता है ना मैडम। एक बच्ची मारी गई है जिसे तुम आए दिन थप्पड़ मारती थी, ये झूठ है? झूठ ये है कि आए दिन मारती थी। जब माँ सौतेली होती है ना तो 4 साल में 6 बार भी हाथ उठाए ना तो आए दिन हो जाता है। हर किसी को सौतेला हाथ नजर आता है, माँ का हाथ किसी को नजर ही नहीं आता। आफरीन तुम्हारे और जफर के रास्ते में आ रही थी, ये भी झूठ है? पूरी तरह झूठ है। मुश्ताक तो जफर को इस दुनिया में आने ही नहीं दे रहा था। मुश्ताक, इस बार तो इस बच्चे को दुनिया में आने दो। 2 साल तक हमने अपना बच्चा नहीं किया क्योंकि तुम नहीं चाहते थे। तुम्हें हमें भी लगता है कि मैं आफरीन को एक माँ का प्यार नहीं दे रही हूँ? तो क्या मैं तुम्हें प्यार नहीं दे रहा हूँ? दे रहा हूँ ना। तो फिर हमारे बीच तय हुआ था हसीना कि इस घर में सिर्फ 3 लोग रहेंगे, आफरीन और हम दोनों। पर एक ऊपर वाले की मर्जी भी तो होती है ना, जिसने मेरी कोख में एक जान डाल दी है। कम से कम इस बार तो उसे उसका हक दो, मुझे एक माँ बनने का हक दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे हक के लिए आफरीन का हक कभी नहीं छीन सकता। ले लो, और मेरी ना का मतलब हमेशा ना ही होता है। मुश्ताक को लगता कि जफर उसका नहीं, परवेज का। हसीना, उस दोपहर दरवाजे पे परवेज ही था ना, जैसे वो अनगिनत दोपहरों को आया करता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं पता उस दोपहर को कौन आया था। और रही बात मुश्ताक की, तो हाँ, उसे लगता है मैंने उसे धोखा दिया, क्योंकि जफर के वक्त मैंने गोली नहीं ली, बच्चा नहीं गिरने दिया। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मुझे एक बार माँ बनना है जी। लेकिन मुझे आफरीन के अलावा किसी का बाप नहीं बनना है। गिरा दो आज के आज। नहीं हो सकता, 3 महीने हो चुके, मैं डॉक्टर को मिल चुकी हूँ, नहीं हो सकता। मेरे साथ धोखा हुआ है, तुमने क्या है हसीना? बच्चे को धोखा नहीं कहते जी, वो कभी आफरीन के रास्ते में नहीं आएगा, बल्कि आफरीन को एक भाई या बहन मिलेगी, और हमारे जाने के बाद दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं अपनी आफरीन के लिए इतना बनाकर छोड़ूंगा कि अपना ख्याल रखने के लिए उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वक्त तुम मेरे बताए हुए डॉक्टर के पास चलोगी, देखते हैं वो क्या कहता है। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बच्चा गिरे या ना गिरे, तुम मेरी नजरों में जरूर गिर चुके हो हसीना। 2 साल से मुझसे एक दुश्मन की तरह पेश आते रहे हैं मुश्ताक, एक ही रट लगी रहती है कि मेरे और परवेज भाई का चक्कर चल रहा है। और जफर साहब, मैं आपसे सच कह रही हूँ, मेरा और परवेज भाई का एक पाक रिश्ता है, भाई बहन वाला। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा सर, मुश्ताक का शक बिल्कुल बेबुनियाद है। झूठ बोल रहा है कि हर दोपहर में उसके घर जाता था, लेकिन ये सच है कि हसीना को जब भी तकलीफ होती थी या वो उससे मदद मांगती थी, मैं हाजिर हो जाता था, लेकिन सिर्फ एक भाई के नाते। मुश्ताक तो ये भी इल्जाम लगा रहा है कि जफर दरअसल उसका। जानता हूँ सर, क्या कहे, गंद भरी पड़ी है मुश्ताक के दिमाग में। जफर उसका अपना खून है सर, ये सच है कि जफर को इस दुनिया में लाने में मेरा हाथ था, लेकिन उस गंदे तरीके से नहीं जैसे वो मुश्ताक सोचता है। तुम खुद अपने आप को मां बनने से रोक रही हो हसीना। क्या मतलब परवेज भाई? देखो, हर बारी जब तुम पेट से होती हो, सबसे पहले मुश्ताक को बताती हो, और उसके बाद वो बच्चा गिराने वाली दवाई तुम्हें देता है, सही है ना? तो बोलो ही मत ना कि पेट से हो। देखो, इस बारी जब महीना नहीं आएगा तो उसको कुछ बताना ही मत। नहीं नहीं परवेज भाई, मुश्ताक बुरा मानेंगे, बहुत बिगड़ेंगे मुझ पर। तो इस वक्त भी तो तुम कोई बहुत खुश नहीं हो ना? देखो, बच्चा चाहिए तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, मसला तुम्हारा है, हल भी तुम्ही को ढूंढना होगा। सर, किसी जोड़े के निजी मामलों में दखल देना किसे पसंद आता है? बहन मानता हूँ हसीना को, इसलिए सलाह दी, बाकी मेरी अपनी निजी जिंदगी है, शादी है जिसमें मैं बहुत खुश हूँ। आफरीन की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसका है परवेज? अगर आपको लगता हसीना को, तो गलत सोच रहे हैं आप। मुश्ताक को इतना सीधा आदमी समझते हैं? अगर आफरीन को मारकर जफर और हसीना को सब कुछ इतनी आसानी से मिल जाता तो आफरीन की अपनी सगी माँ लुबना यूं ही छोड़ देती मुश्ताक को। आफरीन की माँ लुबना कहाँ है इस वक्त? नहीं जानता साहब, क्योंकि मुश्ताक और लुबना जब साथ में रहते थे तब मेरी मुश्ताक से दोस्ती नहीं हुई, लेकिन एक बात कह सकता हूँ साहब, मुश्ताक उन आदमियों में से तो कतई नहीं है जो किसी एक औरत की बेवफाई से पूरी तरह पिघल जाता। जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि आफरीन को इसलिए मार डाला ताकि सारा इल्जाम मुझ पे आ जाए और मैं रास्ते से हटा दी जाऊं। क्यों, तुम किसके रास्ते का कांटा हो हसीना?
साहब मुश्ताक मुझसे नफरत करता है। पर वो अपनी बेटी से प्यार करता था, तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए वो अपनी सगी बेटी की जान क्यों ले गया? साहब मुश्ताक के लिए मैंने अपना धन बदला, उसके घर को संभाला, बेटी संभाली, उसकी शकी मिजाज को झेला, पर हुआ क्या? उसने मेरी बात पर बिल्कुल एतबार नहीं किया, उल्टा दूसरों की तरह उसने सीधा सीधा मुझ पर उंगली उठाई। मौका तो खुद दिया, झूठ से शुरुआत करके उंगली उठाने का न्योता तुमने खुद दिया हसीना। साहब मैंने वो झूठ डर के मारे बोला था, किसी साजिश के मारे नहीं। साजिश हुई जरूर है साहब, पर वो मेरे खिलाफ हुई है। मैं भी इशारा मुश्ताक की तरफ ही कर रही हूँ। देखिए साहब, अगर इब्राहिम के घर के बाहर आप जो बोल रहे हैं वो कैमरा लगा हुआ है, वो ऐन वक्त पे बंद नहीं होता, तो अब तक दूध का दूध पानी का पानी हो चुका होता। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि ऐसा नहीं हुआ, उल्टा आप लोगों को शक हो गया कि मेरा इब्राहिम के साथ चक्कर चल रहा है, और यहाँ मुश्ताक को लग रहा है मेरा परवेज भाई के साथ चक्कर चल रहा है। आप लोगों ने कैसी औरत समझ रखा है मुझे? साहब यहाँ एक गणेश यादव किराना वाला, उसकी दुकान पर CCTV है और वो कभी बंद नहीं रखता। 18 अक्टूबर की दोपहर को भी चालू था। मुश्ताक के घर की रेंज में एक गली छोड़ के, लेकिन एकदम सही जगह पर है। इसके सामने डेड एंड है, इधर एक ही गली है जो मुश्ताक के घर की तरफ जाती है। मुश्ताक के घर जाने वाला या वहां से आने वाला, हर एक शख्स इस CCTV में कैद हो गई होगा। साहब मेरे जहन में नहीं आया कि मेरे कैमरे में खूनी आया होगा। ऐसे कैसे जहन में नहीं आया? CCTV लगवाया है क्यों? टोपी से गई? नहीं है, ऐसा नहीं है साहब। ऐसा नहीं है वैसा नहीं है छोड़, और 18 अक्टूबर की CCTV की फुटेज निकाल कर दे मुझे, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच की। भरी दोपहर में हाजिर उमर, अंधेपन है, चेहरा लपेटा हुआ, और सर CCTV की रेंज में आते ही चेहरा ढका गया। सर देखते हैं ये बाहर कैसे जाता है। बंदा चालाक है, पक्का जानता होगा कि यहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ, इसलिए मुने पीठ दिखाकर भागा। सर इब्राहिम का CCTV में पीठ दिखाने को गुंजाइश ही नहीं, उसके मुताबिक उसके बेटे ने बकवास, ये इब्राहिम भी शायद इस साजिश में शामिल है। पीठ से सिर्फ हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है, ये शख्स कौन है यकीन से कुछ भी कहना मुश्किल है। बट सर एक बात तो तय है, ये शख्स जो भी है ये हसीना या मुश्ताक या फिर दोनों के जान पहचान का है, मोहल्ले में पहले आता जाता होगा, मुश्ताक के घर आया होगा, शायद इसी बस्ती का हो। इस मिस्टर एक्स को हम अपना मेन सस्पेक्ट मानकर चलते हैं। अब इतना तो क्लियर है कि 18 तारीख की दोपहर को मुश्ताक के घर पर कोई आया था, मतलब हसीना झूठ नहीं बोलेगी। सर हो सकता है हसीना आधा सच बोल रही, हो सकता है उसी ने किसी को बुलाया, या सर ये भी हो सकता है कि मुश्ताक ने किसी को भेजा हो। ना मुश्ताक ना हसीना उस नकाबपोश आदमी की पहचान कर पाए। मुश्ताक, परवेज, इब्राहिम, केस से जुड़े हुए सभी आदमियों की ऊंचाई नापी गई। फिर CCTV में कैद आदमी के साथ उसे मैच करने की कोशिश की गई, पर इनमें से कोई भी आदमी हमारे सस्पेक्ट के पास भी नहीं आ रहा था। सर किसी के भी फोन रिकॉर्ड्स में कुछ भी ऐसा नहीं मिला इस पर शक किया जा सके। 18 अक्टूबर के दोपहर को किसी भी नंबर की लोकेशन आशिम नगर नहीं थी। सर आफरीन का कत्ल एक सोची समझी साजिश थी, आफरीन का दरवाजा खोलना और एंड टाइम पे इब्राहिम का CCTV ऑफ हो जाना। सर एक नकाबपोश शख्स का एक किराने वाले के CCTV के बारे में जानकारी होना, ये सब कुछ सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता सर। अगर हम ये मान भी लें कि ये इत्तेफाक नहीं बल्कि एक साजिश है, तो भी हमें अभी तक मुश्ताक, हसीना, परवेज, इब्राहिम का इस साजिश से कोई कनेक्शन नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? क्या वाकई में कोई कनेक्शन है नहीं, हमें नहीं मिला? ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि सारे वाकयात अलग अलग हों, आपस में इनका कोई ताल्लुक ही ना, बस एक वक्त पे हुए, शायद महज एक इत्तफाक, असली कातिल, असली मकसद, असली साजिश कुछ और ही हो। हाँ शौक बोल। साहब ये मुश्ताक और हसीना के काफी रायते फैले हुए हैं किलो के हिसाब से, मिलो तक।
कहाँ कहाँ तक? हसीना का बनारस तक और ये मुश्ताक का जौनपुर तक। साहब ये हसीना का पहला पति अभिषेक सिंह बनारस में रहता है। 6 साल पहले जब हसीना ने अभिषेक को छोड़ दिया था तो बहुत खुनस में था। हसीना सैयद तब हर्षा गुप्ता थी पर उसका अभिषेक से कोर्ट में कोई तलाक वलाक नहीं हुआ। बस एक दिन हर्षा उर्फ हसीना अभिषेक और उसके घर को छोड़कर भाग गई। ये हर्षा उर्फ हसीना के मायके में कौन कौन है? कोई नहीं है साहब, ये हसीना भी बनारस की है। शायद इसका पहला पति अभिषेक बदला लेने आया होगा या किसी को भेजा होगा यहाँ। और मुश्ताक का रहता जौनपुर में? उसकी पहली बीवी रहती है ना वहाँ, लुबना, आफरीन की माँ। ना ना, वो तो अभी रंगमंच पे आई ही नहीं है, उससे भी पहले वाली। मुश्ताक की सबसे पहली बीवी का नाम कौसर है जो जौनपुर में रहती है और पान की दुकान चलाती है। अरे कौसर भी, पैसे कौन से भागे जाने? तो पैसे चलकर आ भी तो नहीं रहे मेरे पास। ये पान आखिरी पान था, कल तक मेरा हिसाब नहीं चुकाया ना तो तुम्हारी ये फटफटिया मेरी। कौसर के दो बेटे हैं, यूसुफ और अफजल। ये दोनों मुश्ताक के? हाँ जनाब, ये दोनों मुश्ताक के ही बेटे हैं। तो ये हसीना दरअसल मुश्ताक की तीसरी बीवी है? हाँ मैडम, लेकिन इस रायते की रेसिपी समझने के लिए आपको लिख के रखना होगा। ये हर्षा और हसीना मुश्ताक की तीसरी बीवी है लेकिन शादी चौथी है। उसकी पहली बीवी थी कौसर जौनपुर में, जिससे यूसुफ और अफजल हुए जो मैंने अभी आपको बताया। फिर आई लुबना, लुबना से आफरीन हुई। लुबना से तलाक के बाद आफरीन को मुश्ताक ने अपने पास रख लिया। फिर उसने अपनी पहली बीवी कौसर से फिर से निकाह किया दूसरी बार। और कौसर को फिर से तलाक दिया दूसरी बार? बिल्कुल दुरुस्त साहब। फिर हर्षा आई जो हसीना बनकर इसकी तीसरी बीवी बनी लेकिन शादी चौथी थी। 1-8 साल की मासूम बेगुनाह बच्ची को मारकर कोई क्या साबित करना चाहता था? क्या अभिषेक हर्षा और हसीना को फंसाना चाहता था या फिर कौसर मुश्ताक को कोई जख्म देना चाहती थी? कौसर के पास कोई वजह थी? किलो के हिसाब से साहब, ये जो कौसर है रंगमंच या फिल्म के किरदार से कम नहीं है। मुश्ताक और कौसर ने 2 बार शादी की, 2 बच्चे किए, 2 बार तलाक ली। पहले तलाक से पहले कौसर ने मुश्ताक के नाक में दम कर रखा था। एक बार तो कौसर ने मुश्ताक को जेल भी भिजवाया था। अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। साहब ये तो था 13 साल पहले का रहा था, लेकिन हाल ही में 4 महीने पहले मुश्ताक ने कौसर से फिर से पंगा ले लिया। कैसा पंगा? जौनपुर वाला मकान बेच के जिसमें कौसर अपने दोनों बेटों के साथ रहती थी, वो भी कौसर को बिना बोले। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं मेरी मर्जी, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे दो दो बच्चों की अम्मी हूँ मैं वो हूँ जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूँ, बर्बाद कर दूंगी तुझे। पागल कुत्ते की तरह घूमेगा, ऐसी हालत ना की ना मैंने तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। तो ये है पूरे फैले हुए रायते की हिस्ट्री साहब। इस मर्डर में कौसर और मुश्ताक के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल भी शामिल हो सकते हैं। इन लोगों के आपस में मिले फैले और खट्टे पड़े रायते की वजह से 1-8 साल की मासूम बेगुनाह बच्ची की जान चली गई। सर आफरीन मुश्ताक की कमजोरी थी, उसकी दुखती रग थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्ताक को ठेस पहुंचाने के लिए आफरीन की जान ले ली गई हो? ये ठेस मुश्ताक को ही पहुंचानी थी या फिर हसीना को, जिस पर बुरी सौतेली मां होने का ठप्पा पहले से लग चुका था? या फिर क्या ये सारा कुछ एक साजिश थी, एक चाल थी इन्हीं दोनों की जिसका मकसद अभी सामने नहीं आया था? हम इस केस में अब भी अंधेरे में हाथ पैर मार रहे थे, पर हाँ तहकीकात के नए एंगल्स भी खुल रहे थे। अभी भी एक ऐसी औरत थी जिस तक पहुंचना बेहद जरूरी था पर हम पहुंचे नहीं थे। हम बहुत ही जल्द उस तक पहुंचने वाले थे, आफरीन की अम्मी लुबना तक, जब इस 60 साल की मासूम बच्ची के कत्ल की वजह हमारे सामने आई। जौनपुर की एक टीम मुश्ताक की पहली बीवी कौसर और उसके बेटे यूसुफ और अफजल से सवालात करने के लिए निकली। दूसरी टीम बनारस में एक्टिव की गई हसीना उर्फ हर्षा गुप्ता के पहले पति अभिषेक सिंह तक पहुंचने के लिए। कौसर? नहीं साहब, कौसर आफरीन के कत्ल के पीछे कैसे हो सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। हमारे लिए भी अभी तक इस केस में किसी पर भी यकीन करना मुश्किल रहा है, आप पर भी। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूंगा,
बेटी मेरी मारी गई है, सगी बेटी सौतेली नहीं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हसीना को छोड़कर कौसर के पीछे क्यों पड़े। मैंने कौसर का बस नाम सुना है, ना मैं उसे जानती हूँ ना ही उसे कभी मिली हूँ। अभिषेक सिंह को जानती हो? मिली हो या मिली हुई हो? अब मेरा पहला पति कहाँ से आधम का इन सब में? उसी तरह से आधम का जिस तरह से आफरीन का हत्यारा तुम्हारे दरवाजे पे आधम का था। मेरा अभिषेक सिंह से अब कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन रिश्ता खत्म भी तो नहीं किया था तुमने, अधूरा छोड़ के भाग गई थी। सुना अभिषेक तुम्हारी काफी वक्त तक तलाश में था, रिश्ता तो था ना? वो रिश्ता नहीं, नरक था। रोज शराब पीकर मेरा भुर्ता बनाता था, भागती नहीं तो और क्या करती। और अब उस सालों पुरानी बात को इस कत्ल से जोड़ रहे हैं, अजीब है। हसीना क्या ये अजीब नहीं है कि आफरीन के कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा एंड टाइम पे ऑफ हो गया? इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? एक और चीज अजीब है, कातिल को कैसे पता चला कि आफरीन ही दरवाजा खोलेगी? क्या आफरीन का दरवाजा खोलना एक इत्तेफाक था या उसे दरवाजा खोलने के लिए भेजा गया? तुमने भेजा। बस हो गया मैडम, थक गई हूँ मैं। वही सवाल, वही शक, वही बेहुदा इल्जाम। मैं बस अपने जफर के साथ अब अकेले रहना चाहती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई मर्द नहीं चाहिए, खास करके मुश्ताक तो बिल्कुल नहीं। मैं बस यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहती हूँ। भदोही छोड़कर तुम तब तक कहीं बाहर नहीं जाओगे जब तक ही आफरीन का असली हत्यारा लॉकअप के अंदर नहीं होता। लुबना का है आफरीन की असली माँ। हाँ, असली या नकली नहीं होती, जो पालती है वो माँ होती है। और मुझे नहीं पता कि लुबना कहाँ है। कौसर की तरह ना ही मैं उसे जानती हूँ ना ही उससे मिली हूँ। 6 साल पहले आखिरी बार लुबना से फोन पर बात हुई थी, तब वो कानपुर में थी। लुबना का कोई रिश्तेदार यहाँ है भदोही में? जी नहीं साहब, पर आप गलत लोगों पर शक कर रहे हैं साहब। लुबना आफरीन को आखिर क्यों मारेगी? उसने उसे अपने पेट से जना है, और कौसर तो यहाँ है ही नहीं। आप अपनी पहली दो बीवियों की बड़ी हिमायत कर रहे हैं, और आफरीन के कत्ल का इल्जाम सिर्फ हसीना पर डाल रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि कातिल कौन है, ये आदमी कौन है। ये तस्वीर देखकर तो इसकी अम्मी भी नहीं पहचान सकती कि यह है कौन। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो कोई भी है उसे परवेज और हसीना ने ही भेजा होगा। इब्राहिम के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा आपने लगवाया था? मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? हसीना पर नजर रखवाने के लिए। नजर उस पर रखी जाती है जिस पर शक हो। परवेज और हसीना का चक्कर चल रहा है, इसका मुझे पूरा यकीन है। यकीन तो आपको इस बात का भी है कि कौसर आफरीन का कत्ल नहीं करवा सकती। हालांकि जब आपने जौनपुर वाला घर बेचा था, कौसर ने आपको धमकी दी थी आपको बर्बाद करने की, आपकी किसी चीज को छीनने की। फिर भी आपकी उंगली कौसर की तरफ नहीं उठ रही। माजरा क्या मुश्ताक ने? कौसर सैयद। जी मैडम, कौन सा पान खाएंगी आप बताइए। नहीं, पान वान रहने दे। ये पता सुपारी कैसे दी तूने? अपने तलाकशुदा शौहर की बच्ची आफरीन का कत्ल करने के लिए। ये कैसी मनहूस खबर सुना रही हैं आप? आफरीन बिटिया नहीं रही? तेरे घर में ताला लगा है, तेरे दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं, और तू यहाँ ड्रामा कर रही है हमारे सामने। मैडम, दोनों जवान लड़के हैं, गए होंगे किसी काम से। अब बताकर थोड़ी जाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। और रही बात आफरीन की, तो आफरीन मेरे तलाकशुदा शोहर की बच्ची थी, लेकिन उसे मार कर भला मुझे या मेरे बच्चों को क्या फायदा होगा? सर, कौसर को क्वेश्चनिंग के लिए लाए हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे अफजल और यूसुफ गायब हैं। दोनों के फोन्स भी स्विच्ड ऑफ हैं। हिस्ट्री शीटर हैं दोनों, चोरी और लूट के मामले में जेल भी काट चुके हैं। इस कौसर को जरा गर्मी दो रजनी, मुश्ताक बड़ी पैरवी कर रहा है इसकी। क्यों कर रहा है समझ में नहीं आ रहा, दाल में कुछ काला है। ये बच्ची आफरीन मुश्ताक और इसकी बीवियों के बीच शायद किसी मसले में बलि का बकरा बनी। हम आफरीन की असली मां लुबना को ढूंढ रहे हैं, पर हो सकता है कौसर का भी इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट हो। सर, बनारस पुलिस ने अभिषेक सिंह को धर लिया। गुड, कानपुर पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि मुश्ताक के मुताबिक उसकी आखिरी बार जब लुबना से बात हुई थी तब वो कानपुर में थी। ये पक्का कोई घरेलू मसला है। हर्षा हसीना बन गई भदोही में, वाह। रे को शादी भी कर ली, क्या बात है। 6 साल पहले पागलों की तरह ढूंढा था हर्षा को मैंने, मतलब हसीना को। और ढूंढने के बाद क्या खुद गया था भदोही से मारने, और गलती में गुस्से से बच्ची को मार डाला, या तेरे आदमी ने यह कांड किया? जब वो भागी थी ना तब पता चलता कहाँ है, तो जरूर उसे ढूंढ के लेकर आता, पर तो मुझे मिली ही नहीं। ये हर्षा हसीना बन गई, उसकी सौतेली बेटी थी, खुद का दूसरा बच्चा है आज। ये सब तो मैं आप लोगों से सुन रहा हूँ, और कोई 8 साल की बच्ची पर क्या दुश्मनी निकालेगा? और कोई ऐसे किसी को कैसे मार सकता गलती से? मार तो सकता है अभिषेक,
नफरत बहुत कमीनी चीज होती है वैसे, और तेरे पास तो मकसद भी था कत्ल करने का। तेरी बीवी तुझे धोखा देकर भागी थी। हाँ, लेकिन उस धोखेबाज को सबक सिखाने के चक्कर में मैं अपनी और अपनी दूसरी बीवी की जिंदगी दांव पर क्यों लगाऊंगा साहब? 2 साल पहले दूसरी शादी की है, मैं क्यों अपना बसा बसा घोंसला जलाऊंगा? तेरी मर्दानगी को ठेस लगी थी, बदला चाहिए था तुझे। बिल्कुल ठेस लगी थी, जरूर लगी थी, लेकिन हर्षा हाथ नहीं लगी। साहब मैं बहुत छोटा आदमी, अब मैं दारू पीता हूँ तब मुझे होश नहीं रहता, लेकिन जब वो हर्षा भागी और जो ठेस लगी उसमें ये सब भी मेरा छूट गया। तो मैं वैसे ही बहुत कम पीता हूँ, क्या मिल जाता मुझे उसे मार के? ये दोनों टैबलेट्स रात को सोने से पहले, तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। और हाँ, शायद तुम्हें खुद भी कोशिश करनी पड़ेगी नींद के लिए, ट्राई टू बी रिलैक्स ताकि तुम्हें अच्छी नींद आ सके। ये चिंता, डिप्रेशन, नींद का ना आना, इसकी जड़ वो प्रॉब्लम, वो इशू है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। उस प्रॉब्लम को अपने दिल और दिमाग में बिठाए रखने से बेहतर है उसे अपनी जुबान पर लाओ। तुम समझ रहे हो ना? जी सर, समझते। अगर समझते हो तो बात करो, तुम अपनी माँ से बात करो, किसी और से बात करो, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो जब भी तुम्हारा दिल करे। मुश्ताक मेरे बचाव में बोल रहा है, जरूर कोई चाल होगी इसमें ताकि आप लोग मुझ पर और शक करने लगे। बर्बाद करने की धमकी तो तुमने उसे दी थी, कुछ छीन लेने की धमकी। कोई सर से छत छीन ले तो उसके लिए मुंह से गाली गलौच और धमकी ही निकलेगी ना। मुश्ताक का बुरा चाहा था मैंने, लेकिन उस बेचारी आफरीन का नहीं। मैडम हम दूध के धुले नहीं हैं, लेकिन इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना कि वो मुश्ताक। धंधा करता है इत्र का, लेकिन है एक नंबरी बदबूदार। बताऊं क्या किया उसने मेरे साथ? सच है तो बता, अगर झूठ साबित हुआ तो मैं तेरे लिए बहुत बुरी खबर साबित होंगी कौसर। मैडम मेरे लिए तो सबसे बुरी खबर वो लालची मुश्ताक ही था। मेरे अब्बू का खून चूस लिया दहेज के लिए उसने, वो भी अचानक से, शादी के 4 साल बाद, 2 बच्चे हो जाने के बाद। तंग आकर मैंने इसी पुलिस स्टेशन में रपट लिखवाई और बंद करवा दिया उसे। दहेज मांगने के चार्ज पर? हाँ हाँ बिल्कुल, आप देखिए ना अपने खातों में, मेरे पास आज भी पर्ची है उस शिकायत की जो मैंने दर्ज कराई थी। तब साले ने मुझे जेल मिलने के लिए बुलाया, मुझे लगा कि सहम गया होगा, अफसोस मना रहा होगा, लेकिन कमीनापन तो देखो जरा। तलाक तलाक तलाक, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर केस किया, मुझे जेल भिजवाया, अब देखती जा कौसर, अगर तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं की ना तो मेरा नाम भी मुश्ताक नहीं। तो फिर तो तू अपना नाम बदल ही ले, क्योंकि तू कुछ करे और मैं उसका जवाब सूद समेत ना दूं तो मेरा नाम भी कौसर नहीं। टूटकर बिखर चुकी थी मैं, अफजल और यूसुफ भी बहुत छोटे छोटे थे, और मुश्ताक ने मुआवजे में भी कुछ नहीं दिया, ऊपर से घर पर इतना बड़ा ताला लगाकर गायब हो गया। फिर क्या था, ठान ली थी छोड़ूंगी नहीं मैं। उसी के घर के सामने पान की दुकान डाली, उस पर नजर रखने के लिए कि कब वापस लौटता है भगोड़ा। और देखो जन्म जला 4 साल बाद वापस लौटा भी तो कैसे। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम लुबना है, आपकी तारीफ? शरीफों से तारीफ नहीं पूछा करते। इस घर में क्या कर रही है? मेरे शोहर का घर है, उनके साथ रहने आई हूँ। सवाल करने वाली आप कौन होती हैं? तेरा आने वाला कल हूँ मैं, ठीक से चेहरा देख ले। ये क्या कह रही हैं आप? कौन है लुबना? तो मुश्ताक मियाँ हमको छोड़कर एक और निकाह कराए, लेकिन अपनी इस लुबना बेगम को बताया कि नहीं तुमने कि इस शहर में एक नहीं 2-2 बच्चे हैं तुम्हारे, जिनकी परवरिश के लिए तुमने इतने सालों में एक दमड़ी तक नहीं दी। मुझे तो भूल ही जाओ। लुबना अंदर जाओ, आफरीन रो रही है। अरे रुको लुबना बेगम, अपने इस बादशाह की काली करतूतों के बारे में तो सुनकर जाओ। आफरीन तो क्या, तुम खुद भी फूट फूट कर रोने लगोगी। कि क्या कह रही है जी? लुबना तुम अंदर जाओ, जाओ चल साले, दफाओ यहां से वरना लात मार कर बाहर निकालूंगा। मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं है और रहे तेरे बेटों से। वो लुबना के साथ मजे मारता रहा, और फिर जब दिल भर गया, खुशबू खत्म हो गई, तो इत्र की खाली शीशी की तरह फेंक दिया लुबना को। कौसर
जरा एक बनारसी पान बना दे। मुफ्त में तो दूंगी नहीं, और तुम्हारी और मेरी कोई रिश्तेदारी अब रही नहीं। ये ले। यूसुफ और अफजल कैसे हैं? वाह, आज इतने सालों बाद मेरे बच्चों की खैरियत पूछ रहे हो। सब कुछ ठीक ठाक तो है? क्या हुआ, यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? लुबना के अम्मी अब्बू ने भी दहेज देने से इनकार कर दिया क्या? घर से निकाल दिया खुद गर्ज को मैंने। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अरे मुश्किल से 2 साल की है आफरीन, लुबना कहाँ लेके उसे मारी मारी घूमेगी? छोड़ दिया ना मेरी तरह उसे भी। आफरीन को मैंने रख लिया है, अब मैं पालूंगा उसे। तुम यूसुफ और अफजल को लेकर मेरे पास वापिस आ जाओ, हम फिर से निकाह करेंगे, हम नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कौसर, सालों की बदले की आग मानो पल भर में बुझ गई मैडम, इसीलिए यूसुफ और अफजल को लेकर मुश्ताक के पास वापस चली गई। सारे गिले शिकवे माफ करके फिर से निकाह कर लिया मुश्ताक से मैंने। और आफरीन? आफरीन को पूरे 2 साल तक अम्मी बनकर पाला है मैंने, मेरे तो जैसे जिगर का टुकड़ा थी वो। फिर क्या, कुत्ते की दुम फिर से टेढ़ी हो गई? साला इस मर्द जात को हर जगह मुंह मारने की और मनमानी करने की बीमारी में छूट और फितरत दोनों है। जब चाहा निकाह कर लिया, जब चाहा तलाक बोल दिया, और एक बार फिर मुझे मुश्ताक ने तलाक दे दिया। लेकिन इस बार मैं भी डटी रही, चौकड़ी मारकर बैठ गई घर में, कहा कि घर नहीं छोड़ूंगी, तू निकल जा। तो फिर मुश्ताक आफरीन को लेकर चला गया। फिर घर कब बेचा? वो तो अभी 4 महीने पहले की बात है, घर बेच दिया बिना बताए चोरी छुपे। मेरा घर है कौसर, किसी को बेचूं या खैरात में दूं मेरी मर्जी, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? अरे तेरे 2 बच्चों की अम्मी हूं मैं वो हूं जिसे तू एक दमड़ी नहीं देता घर के खर्च के लिए, और ऊपर से सर से छत छीन रहा है। अब तू देख मैं तेरे से क्या छीनती हूं, बर्बाद कर दूंगी तुझे। अम्मी, अब्बू ने एडवांस भी ले लिया और अपना घर ना उस राशिद खान को बेच दिया। फिर से निकाह करके खुद तो भदोही में अपना नया घर बसा लिया और हमारा घर छीन रहे। नहीं छीन पाएगा, इस बार हम घर से बिल्कुल हिलेंगे ही नहीं। आप ही बताइए मैडम, आफरीन को मार के मुश्ताक का घर मेरे नाम हो जाता? नहीं ना, तो मैं क्यों मरवाऊंगी आफरीन को? भड़ास निकालने के लिए, हसीना और मुश्ताक को फंसाने के लिए। भड़ास तो थी और निकालनी भी थी, लेकिन मुश्ताक पर, और अगर किसी को भेजना ही था मुझे तो फिर मुश्ताक को मरवाती ना, आफरीन को क्यों? ये यूसुफ है या अफजल? यूसुफ और अफजल आफरीन के भाई थे मैडम। सौतेले, वो भी सिर्फ 2 साल के लिए। तुम्हारे दोनों बेटे चोर हैं कौसर। बाप का थप्पड़ नहीं पड़ा ना मैडम, इसीलिए। और बाप जब दोबारा से जिंदगी में आया भी तो बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन ये बात यकीन से जरूर कह सकती हूँ मैडम कि मेरे दोनों बेटे बिगड़े हुए जरूर हैं, लेकिन मुश्ताक की तरह कमीने नहीं है। लुबना, बहुत जलील कर निकाला लुबना को मुश्ताक ने, लेकिन कोई अपने पेट से जनी हुई बेटी को कैसे मार सकता है? ना जी ना, मेरे हिसाब से तो ये किया धरा मुश्ताक का ही है, या फिर जो अभी है उसके साथ। हसीना? हाँ हसीना। मैडम मुझे लगता है कि हसीना मुझसे और लुबना दोनों से ज्यादा चलाक है, और इसीलिए शायद मुश्ताक उसको तलाक नहीं दे पा रहा होगा, और तभी ये नाटक कर रहा है हमदर्दी लेने के लिए। मैडम मुश्ताक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, और वो तो झाड़ फूंक भी करता है। झाड़ फूंक? और मैं? सीधे सीधे पूछता हूँ, झाड़ फूंक करते हैं नहीं करते? बेचते हो ना ताबीज? मैं सिर्फ इत्र बेचता हूँ साहब, और शौकिया ध्यान लगाता हूँ। शौकिया ध्यान? ये क्या होता है? लोग अपनी परेशानियां लेकर मेरे पास आते हैं, मैं ध्यान लगाकर उनका हल ढूंढता हूँ। गर्दन दिखा। ये ले, अपने बेटे के दाहिने हाथ पर बांध दे, यहां बुखार उतर जाएगा और कोई भी शैतानी ताकत तेरे घर आने की हिम्मत नहीं करेगी। ये कोई काला जादू नहीं है साहब, बस दुआ है लोगों की मदद के लिए, उनकी बरकत के लिए। तुम्हारा ये क्या मुराकबा, जो भी है ध्यान लगाओ और बताओ कि
आफरीन का कत्ल किसने किया? मैंने आपको बताया तो है लेकिन आप सुनते ही नहीं। हसीना हसीना हसीना। सुन ली और मान भी ली तुम्हारी बात। अब जरा ये भी बता दो कि उस दोपहर को तुम्हारे घर पर ये जो नकाबपोश आया था ये कौन है? अगर मेरी इतनी ताकत होती ना तो अपनी बच्ची आफरीन की मौत नहीं देख लेता, बचा नहीं लेता अपनी जान को। छोटा सा आदमी हो सा, छोटे छोटे मसले जहन में आते हैं जैसे पढ़ाई बुखार वगैरह, इससे आगे कुछ नहीं। फिर एक छोटा सा मसला हल कर दो। इब्राहिम के घर के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो ऐन उसी वक्त बंद क्यों हुआ जिस वक्त आफरीन का कत्ल हुआ? क्या माजरा है? इब्राहिम से दुश्मनी है तुम्हारी? क्या छुपा रहा है वो? इब्राहिम का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि हसीना ने ही जरूर इस आदमी को भेजा होगा। क्यों? तुम्हारी पहले दो बीवियों को तुमसे क्या मिल गया? उटी कौड़ी ने, उल्टा तुमने उन दोनों को बेघर कर दिया। हसीना को तुम्हारी बच्ची को मारकर कौन सा खजाना मिलने वाला था? तो क्या मैंने मार दिया अपनी बच्ची को? सगे बाप ने बिना माँ के 2 साल पाला है उसे, जान थी वो मेरी। तो फिर यूसुफ और अफजल क्या थे मुश्ताक मियां? उन्हें तो कौसर ने मुझसे छीन लिया। उन्हें दूध पिलाकर नहीं जहर पिलाकर बड़ा किया है डायन ने, और जादू और टोना टोटका तो उस हसीना ने किया है आप लोगों पर जो आप उसकी तरफदारी किए जा रहे हैं। मैंने हसीना से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि अपनी बच्ची को माँ का प्यार दे सकूं। इसीलिए हसीना को गोलियां खिला खिलाकर उसे माँ बनने के हक से महरूम रख रहे थे। फिर उसकी तरफदारी, जब आप लोगों ने ठान ही लिया है कि मेरी बच्ची के कातिल को पकड़ना नहीं है तो फिर ये दिखावा क्यों? मुझे भी चढ़ा दीजिए ना फांसी पर। वैसे भी आफरीन के साथ मेरी आधी जान तो निकल ही चुकी है। पर आधी जान तो बाकी है ना मुश्ताक। यकीन करो मेरा, मैं तुम्हारा ये मुराकबा या ध्यान लगाए बिना अपने तजुर्बे से एक बात कह सकता हूँ। ये जो तुम्हारा इत्र है ना, इस इत्र में खुशबू नहीं है, बदबू है। सालों से यही मुराकबा कर रहा हूँ सरकार। ध्यान से देखिए, कोई जादू टोने वाली चीज दिखाई देती है आपको? ये तुम्हारा साइड बिजनेस कब से चल रहा है? किस किस्म के लोग आते हैं तुम्हारे पास? कोई रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड नहीं है साहब, बस जो लोग परेशान होते हैं मुझे खुद ढूंढ लेते हैं। मैं खुद से कुछ नहीं करता। करवाते हो? करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ साहब? वो तो तुम बहुत जल्द बताओगे, पहले ये बताओ कि ये कौन है। और तुम जानते हो मुश्ताक, तुम जानते हो सारे जिले के बाहर के हर मुमकिन हिस्ट्री शीटर्स को खंगाला गया जिस पर कभी कत्ल का चार्ज लगा, पर हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। केस से जुड़े हर सस्पेक्ट पर कड़ी नजर रखी जा रही। हर गुजरते दिन के साथ हमारा मुश्ताक पर शक और गहरा होता जा रहा था, पर आफरीन के कत्ल का मकसद सामने नहीं आ रहा था। मैडम, अपनी लिस्ट के हर बंदे को, हर बंदी को अंदर बाहर खंगाला, लेकिन आफरीन को मारने के बाद किसका फायदा होने वाला था ये पता नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची ने कुछ देख लिया था या कुछ सुन लिया था जिससे किसी का नुकसान होता, खतरा होता, मतलब लफड़ा अफेयर वगैरह? अशफाक, इस किस्म का खतरा तो सिर्फ हसीना को हो सकता है। भला मुश्ताक को अपनी ही सगी बेटी से क्या खतरा हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हसीना का अपने ही पड़ोसी इब्राहिम के साथ कुछ चल रहा? मुझे भी तगड़ा वाला डाउट है इस इब्राहिम पे। उसका पूरा चिट्ठा निकाल लिया, बंदा कारपेंटर है, कोई उसकी खुद की दुकान नहीं है मैडम, बस वो वहाँ काम करता है, एक तरीके का दिहाड़ी मजदूर समझ लीजिए। ऐसे बंदे के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा, कुछ अजीब नहीं है? अशफाक, एक और चीज अजीब है कि ठीक कत्ल के वक्त इब्राहिम के घर के बाहर का सीसीटीवी कैमरा ऑफ हो जाता है। मैडम, दो जोड़े हैं, मुश्ताक हसीना, इब्राहिम नाजिया, इनके बीच क्रॉस कनेक्शन हुआ होगा। कहीं शक के मारे तो नहीं इब्राहिम ने इतना खर्चा उठाकर अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाया? हो सकता है मैडम, खुन्नस मुश्ताक पे होगा, गहरा घाव देने के लिए आफरीन को मार दिया होगा, या फिर इब्राहिम हसीना को आफरीन ने साथ देख लिया होगा इसलिए हटा दिया बच्ची को। सर, कानपुर में रुबना का पता चल गया है। उसकी तरफ से कोई रंजिश? सर, जब कानपुर पुलिस ने रुबना को आफरीन के मर्डर के बारे में बताया तो चौंक गए। मैं समझी नहीं, कह क्या रहे हैं आप? यही कि जब मुश्ताक ने आपसे आफरीन को छीना तो तकलीफ तो बहुत हुई होगी आपको। इससे आपका क्या ताल्लुक है? ये मेरे मुश्ताक और आफरीन का निजी मामला है। अब ये मामला सिर्फ आपके और मुश्ताक के बीच में रह गया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको वाकई नहीं पता आफरीन के बारे में? क्या उसका कत्ल हो गया है? क्या? अल्लाह, मेरे बच्चे, कैसे हुआ, किसने किया? एक हफ्ता हो चुका है इस बात को, कहीं आपने तो नहीं भेजा था किसी को वहां पर? 6 साल हो गए, उस कमीने मुश्ताक ने मेरी बेटी से मुझे फोन पे भी बात तक नहीं करने दी।
इतनी हैसियत नहीं है मेरी कोर्ट कचहरी में केस करके लड़के अपनी बेटी को हासिल कर पाती। बस हर दिन उसके लिए दुआ करती थी और हर रात उसकी याद में रो रो के सो जाती थी। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि कहीं मैंने तो, और एक हफ्ता हो गया अभी तक मुश्ताक ने एक बार भी मुझे फोन करके बताया भी नहीं। अगर बोझ बन गई होती तो कह देता मुझसे, मैं खुद जाकर ले आती उसे, जान से मारने की क्या जरूरत थी। साहब ये उसी ने किया है, कोई और औरत मिल गई होगी उसे और आफरीन की जिम्मेदारी से भागना चाहता होगा। सर कौसर की तरह लुबना भी मुश्ताक का इनाम ले रही है। कौसर के दोनों बेटे यूसुफ और अफजल दोनों को जौनपुर पुलिस ने पकड़ा और खूब तोड़ा। सर यूसुफ और अफजल को रात भर तोड़ा, लेकिन दोनों लड़के यही कह रहे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। ये भी अपने बाप मुश्ताक पर ही उंगली उठा रहे हैं। शायद कौसर ने अपने बेटों से नहीं बल्कि किसी और से ही काम करवाया। सर कौसर के कॉल रिकॉर्ड स्कैन किए मैंने, सब कुछ क्लीन है सर, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आता। सर मुश्ताक के दोनों एक्स बीवी लुबना और कौसर भी मुश्ताक की करण बीवी हसीना की तरह ही मुश्ताक का ही नाम ले रही। हसीना ने आफरीन को भेजा दरवाजा खोलने के लिए और आफरीन मारी गई। अब सवाल ये है कि क्या टारगेट आफरीन थी या फिर टारगेट हसीना थी और आफरीन गलती से मारी गई। सर अगर हम ये मान के भी चलें कि आफरीन गलती से मारी गई तो टारगेट हसीना थी, क्योंकि वो दरवाजे पर मिली नहीं, इसलिए कातिल ने हड़बड़ाहट में या फिर गुस्से में बच्ची को मार डाला। मुश्ताक को शक था कि हसीना और परवेज का चक्कर है, तो हो सकता है मुश्ताक ने किसी को भेजा हो हसीना को मारने के लिए, पर कातिल चूक गया और उसने गलती से आफरीन को मार दिया। सर हाजिर उमाल से चेहरा ढकने वाला शख्स इस राज पर से पर्दा उठा सकता है कि आफरीन को किसने और क्यों मार डाला। शाहिद को हम दो दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, अगर उसका ये डिप्रेशन या मायूसी और बढ़ने लगी तो हमें उसे हेवी डोज देने होंगे। ऐसा क्या है जो उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है, वो बता भी नहीं रहा। ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? मुझे कुछ पता नहीं डॉक्टर साहब। दवाई का टाइम हो गया है शायद, ये ले लो। जी मैडम। आपका बेटा सोहिल घर पे है? देखिए आंटी, मेरा हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था, फिर जंप मार कर ट्राई किया टीवी ऑन करने के लिए, तभी सीसीटीवी के स्विच पर हाथ लग गया और ऑफ हो गया। यानी आपने जब ये किया तो आपको पता लग गया कि आपसे गलती से सीसीटीवी का स्विच ऑफ हो गया है ना? मैडम इसे कैसे पता चलेगा, इसे तो गलती से हुआ ना, ये हर दूसरे दिन ऐसी गलती करता है, बहुत शरारती है। पास में सबरम जी रहती है ना? जी, क्यों? सोहिल को थोड़ी देर के लिए वहाँ छोड़ के आई है, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? दो झूठ के बारे में। दो झूठ? हाँ दो झूठ। पहला झूठ, तुम मियाँ बीवी ने बुलवाया सोहिल से कि सीसीटीवी का स्विच गलती से ऑफ हो गया, बल्कि ऐसा हुआ ही नहीं नाजिया, सीसीटीवी जानबूझकर ऑफ किया इब्राहिम ने। और दूसरा झूठ, नाजिया तुम अभी तक ये कहती आई हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, बल्कि तुम्हें सब कुछ मालूम है। तुम जानती हो कि इब्राहिम ने ही आफरीन को मरवाया इस आदमी को भेजकर, और इब्राहिम ने वो सीसीटीवी तुम्हारे लिए लगवाया था ना। इब्राहिम मुश्ताक को तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। वाहियात बातें कर रहे हैं साहब आप, वाहियात से भी बढ़कर हरकत की है तूने इब्राहिम, हमारे पास सबूत है तेरे और हसीना के चक्कर का। बकवास कर रहे हैं साहब आप। आफरीन की वजह से तुम्हारे गुलशरों में अड़चन हो रही थी, हसीना पहले से चिढ़ती थी आफरीन से, एक तीर दो निशान, हसीना की जिंदगी से आफरीन बाहर और तुम दोनों के अफेयर से भी। साहब पागल हो गए क्या? मैं हसीना के साथ नाजायज रिश्ते बनाऊंगा और उन रिश्तों की नुमाइश करने के लिए मैं अपने घर के बाहर सीसीटीवी लगवाऊंगा, ताकि मैं कब हसीना से मिलता हूँ, कब उसके घर जाता हूँ, उस सबकी रिकॉर्डिंग हो जाए। तो किस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तुम इब्राहिम मियां? नाजिया के चक्कर की, मुश्ताक के साथ? नाजिया हमारे पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि इब्राहिम को पता चल गया था तुम्हारे और मुश्ताक के चक्कर के बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सब झूठ है। तुम्हारी आवाज सुन के तो नहीं लग रहा है कि ये सब झूठ है, ये आंसू बासू बाद में, फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। ये बताओ ये आदमी कौन है जिसे भेजकर इब्राहिम ने आफरीन को मरवाया? हाँ, हाँ।
मैंने सीसीटीवी नाजिया के लिए लगा रखा था। शक था मुझे नाजिया पर, क्यों किसी के साथ जाती है, कोई आता है उससे मिलना। मतलब मुश्ताक? मुश्ताक, मुश्ताक ही है ना वो सर? नाजिया ने बोला आपको? क्या क्या बोला बताओ नाजिया। एक औरत पर कितनी बारीकी से नजर रखी जाती है, कितनी आसानी से उस पर शक कर लिया जाता है। अगर वो थोड़ी देर घर से बाहर रहे या किसी से दो चार बातें कर ले तो उस पर चक्कर का ठप्पा लग जाता है, उसे जलील किया जाता है। आप तो एक औरत है, आप समझ सकती हैं कि मुझ पे क्या गुजर रही होगी। इस वक्त मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं नाजिया, मुझे जाने में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है कि तुम पे क्या गुजरी थी। फिलहाल मुझे ये जानना है हुआ क्या था, सच क्या है। सच ये, पूरी वफादारी के बावजूद, पूरे प्यार के बावजूद मेरा शौहर मुझ पे शक करता है, और उसी शक की वजह से इब्राहिम ने आफरीन को मार डाला। मैं नहीं जानती इब्राहिम ने क्या किया, पर बस बस इतना जानती कि वो सीसीटीवी रोज मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाता है। उसे देखती हूँ ना तो मुझे घिन आती है। मैडम, सोहेल ने गलती से उस दिन उसी वक्त उसे बंद कर दिया था, वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। आप मानो या ना मानो मैडम, पर यही सच है। सच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुश्ताक के साथ नाजिया का चक्कर होता भी तो भी मैं एक मासूम बच्ची को क्यों मार डालता साहब? और साहब एक बार मेरी तसल्ली के लिए बोल दीजिए, जो आपने बताया वो सच है? मुश्ताक ही था ना वो? हमने कुछ बताया नहीं, हमेशा के मुश्ताक से बदला लेने के लिए तुमने आफरीन की जान। आफरीन को नहीं मारा साहब मैंने, अगर चक्कर का पता चलता भी तो नाजिया या मुश्ताक को या फिर दोनों को मार डालता शायद मैं, या कम से कम नाजिया को तलाक तो दे देता, पर एक बच्ची पर अपना गुस्सा नहीं उतारता साहब। शकी हूं, वैशी नहीं। फिर एक बार हम अंधेरे में चारों तरफ तीर चला रहे थे। हमारी तहकीकात की वजह से जो संभावनाओं का और भावनाओं का पिटारा खुला था, उससे कुछ संदिग्धों के घरों में खलबली मचनी शुरू हो गई थी। आफरीन के कत्ल ने कई रिश्तों को टूटने की कगार पे ला छोड़ा था। तुम्हें जफर को लेकर कहीं जाना है तो जा सकती हो, मैं रोकूंगा नहीं। पुलिस ने कहा है मैं कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा है कि तुम भदोही नहीं छोड़ सकते, जरूरी नहीं है कि यहां रुको मेरे घर में। अच्छा, तुम्हारा घर? घर चार दीवारियां नहीं होती, घर एक मकान होता है, छोटा सा, बिल्कुल तुम्हारे दिल जैसा। परवेज का घर तो बड़ा है ना, वहां चली जाओ, जफर को बाप का सुख भी मिल जाए, सब खुश रहेंगे। तुम मैं मुश्ताक सैयद, मुझे कौसर या लूबना मत समझना कि भीगी बिल्ली बनकर सिकुड़ जाऊंगी। कोर्ट में नंगा करूंगी तुम्हें, डीएनए टेस्ट से साबित करवाऊंगी कि जफर तुम्हारी औलाद है, और फिर ऐसी कीमत वसूलूंगी तुमसे कि दोबारा किसी औरत को इस्तेमाल करके फेंकने की जुर्रत नहीं करोगे तुम। उसी कीमत के लिए आफरीन को मरवा डाला? आफरीन को तुमने मरवाया है क्योंकि तुम्हारे अंदर इंसानों का खून नहीं, खुदगर्जी के नाले का गंदा पानी बहता है कमीने। सुअर की औलाद हो तुम, जहरीले सांप हो तुम। दोबारा हाथ उठाने की सोचना भी मत। हसीना बनकर बहुत कुछ झेल लिया, लेकिन असली नाम हर्षा है। अगर दोबारा हाथ उठाया ना तो दो हाथ मिलेंगे बदले में, दांत पेट में होंगे तुम्हारे। ऐसा क्या मुश्ताक में जो मुझ में नहीं साले? बोल बोल, उसी से मिलती थी ना, वही तलाशी क्या ना? वो मेरे जैसे शकी पागल तो नहीं है? नहीं है ना? उन्हें कैसे पता चला? क्या सबूत मिला उन्हें? बोल क्या क्या सबूत मिला? बोल क्या सबूत मिला उनको? उनको कैसे पता चला? मैडम, नाजिया बोल रही हूँ। तुम्हारे ही फोन का वेट कर रही थी मैं नाजिया, अब तो सच बोलोगी? मैडम सच आप पता कीजिए, बस मेरी एक बात सुनिए। हाँ सुन रही हूँ। मुश्ताक के साथ मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था, बल्कि वो मेरा फायदा उठा रहा था। कैसा फायदा? मेरे शौहर का काम ठीक नहीं चल रहा था, बहुत तंगी थी, घर में हर वक्त मायूसी रहती थी। ये कुछ 7-8 महीने पहले की बात है।
दिल हल्का करने के लिए मैंने ऐसे ही एक बार मुश्ताक को अपने घर की हालत बता दी तो उसने कहा कि वो मुराकबा करेगा और तावीज़ देगा जिससे हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। मुश्ताक पर भरोसा ना करने जैसी कोई बात ही नहीं थी मैडम, मुश्ताक भाई कहती थी मैं उन्हें। ताबीज देने के बहाने उसने मुझे कुछ सुंघाया और मुझे लगा कि मुराकबे का हिस्सा है ये। रेप किया उसने तुम्हारा? नाजिया देखो नाजिया डरो नहीं बोलो। जी मैडम, बेहोशी में फायदा उठाया और जब होश आया तो उसने मुझे धमकी दी। वीडियो बनाया? उसने भूला कि वीडियो बनाया, पर मैंने तो देखा नहीं। उसने कहा कि अगर मैं अपना मुंह खोलूंगी तो वो वीडियो इब्राहिम को दिखा देगा और मोहल्ले वालों को भी। फिर ये बार बार हुआ, जब भी बुलाता जाना पड़ता था। नाजिया तुम हमारे पास आती, एक बार हमसे शिकायत करके तो देखती, खाल उधेड़ देते हम उसकी और साथ में मेरी इज्जत भी उतरती। बस बस मैडम यही बताना था, आफरीन के कत्ल के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इब्राहिम मुझ पे शक करता था क्योंकि मुझे उस कुत्ते मुश्ताक से मिलने जाना पड़ता था, पर बस अब और सहन नहीं हो रहा था मैडम, इसलिए आपको बता दिया। और एक बात और बतानी है आपको मैडम। हाँ बोलो नाजिया। मैं अकेली नहीं हूँ इस मोहल्ले में, और भी औरतें जिनके साथ ऐसा हुआ है। और कौन कौन है, नाम बताओ। मर जाऊंगी लेकिन नाम नहीं लूंगी, और आप भी मेहरबानी करना मेरा नाम मत आने देना। नाजिया ऐसा नहीं होता है, तुम्हें सामने आके शिकायत दर्ज करानी होगी और उन सभी औरतों को साथ लाना होगा। ये नहीं हो सकता मैडम, अगर आपने जिद की तो समझिए हमारी ये बात हुई ही नहीं। यहाँ हम दुश्मनियाँ खोद रहे थे और निकला ये सड़ा हुआ लीचड़ चूहा। सर हो सकता मुश्ताक के किसी विक्टिम ने बदला लेने के लिए वार किया। सर मैंने नाजिया को काफी समझाया, वो दावे के साथ बस यही कह रही है कि ना वो और ना बाकी औरतें सामने आएंगी शिकायत दर्ज कराने के लिए। सबको अपनी बदनामी का बहुत डर है। जी तो करता तेरी बच्ची के कत्ल के लिए तेरे खिलाफ ही चार्जशीट फाइल कर दूं। किसी ने आपके कान भरे, मैंने किसी औरत का गलत फायदा नहीं उठाया। इसमें उन सभी औरतों का नाम लिख जिनको तूने अपनी हवस का शिकार बनाया, लिख जल्दी। सर ये मेरे खिलाफ कोई खतरनाक साजिश है, मैंने किसी औरत का गलत फायदा नहीं उठाया, जो मैंने किया ही नहीं उसके लिए मेरी बच्ची को सजा क्यों भुगतनी पड़ी। हाश फक बोल। साहब दिमाग के डॉक्टर हैं डॉक्टर नरेश पुरी, उनके क्लिनिक में एक छोटा सा वार्ड भी है, शाहिद सिद्दीकी वहीं एडमिट है। कौन है शाहिद सिद्दीकी? बिजली विभाग में क्लास 3 रैंक का कर्मचारी है। ये शाहिद का क्या लेना देना आफरीन के मर्डर से? शायद इसी ने मर्डर किया साहब। उस क्लिनिक में एक अटेंडेंट है रौनक सिंह, मेरा दोस्त है, उसने टिप दी। अशफाक भाई सुनो तो, आज जब मैं शाहिद सिद्दीकी के कमरे में उसे दवाई देने गया तो वो नींद में कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था। माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह। बच्चे को नहीं मारना चाहिए, गलती हो गई मुझसे। जब उसने बच्ची कहा तब मेरी घंटी बजी। तुमने वो हाजी रुमाल वाले की तस्वीर दिखाई थी ना मुझे, कहा था कि किसी बच्ची का मर्डर हुआ है हाशिम नगर में। ये बंदा हो सकता है आफरीन का कातिल, शाहिद की माँ का नाम है रूबीना। वैसे साहब मैंने अपनी दो खास लड़कियों को हाशिम नगर में फील्डिंग पे लगाया और उन्हें बड़ी चालाकी से कई औरतों से पता लगाया। ये मुश्ताक की काली करतूतों वाली बात सच है? सुलाने सच है साहब, लंबी लिस्ट है औरतों की। पर ये शाहिद की उससे क्या दुश्मनी थी, क्या इसने लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा किया? शाहिद सिद्दीकी हमें देखकर चौंक गया था, उसे लगा उसका राज उसकी माँ ने हमारे सामने खोल दिया था, पर हकीकत ये थी कि उसने खुद नींद में बोलकर अपने आप को पकड़वाया था, और जाहिर सी बात है उसे यह बात मालूम ही नहीं थी।
ये कौन सा ये? बोलिए ना कौन सा ये? क्यों शाहिद, किस बात का गुस्सा निकला आफरीन पर, या फिर ये कोई पलटवार था? मुझे उस बच्चे को नहीं मारना चाहता सर, वो बहुत बड़ा गुनाह हो गया सर मुझसे, पर मैं उस बच्चे को नहीं मारना चाहता था सर। तो फिर किसे मारना चाहते थे? आपको पता था 18 अक्टूबर से ही आपको पता था ना कि आपके बेटे शाहिद ने आफरीन का कत्ल कर दिया है? नहीं, शाहिद ने कत्ल नहीं किया, उसके हाथों गलती हुई है जिसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। तो फिर कौन जिम्मेदार है रूबीना? मैं। शाहिद, क्या हुआ तुझे, इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैंने एक बच्चे का कत्ल कर दिया। क्या कह रहा है तू? कौन सी बच्ची? मुश्ताक के तरवाले की बेटी का कत्ल कर दिया अम्मी। मैं मुश्ताक को मारने जा रहा था, उसके घर के तो दरवाजा उसकी बेटी ने खोला, पता नहीं क्या हुआ मुझे, और मैंने उसको ही मार दिया अम्मी, छोटी सी बच्ची को मार दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है मैडम। मुश्ताक ने आपका भी बलात्कार किया? मुश्ताक ने धोखे से ताबीज के बहाने मेरा फायदा उठाया था। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मैं तन्हा हो गई थी, मायूस रहती थी, डर सा लगा रहता था, सोचा तावीज बंधवा लूं, सुकून मिलेगा, इसलिए गई मुश्ताक के पास। पहली बार में ही उसने अपनी चाल चली, फिर धमकी दी, बार बार इस्तेमाल किया। झूठ नहीं बोलूंगी, उसके बाद दरअसल जो भी हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, अकेली थी, मेरी भी कुछ जरूरतें थी जो मुश्ताक से पूरी हो रही थी, पर शायद ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाया। अस्सलाम वालेकुम शाहिद मियां। क्यों आता रहता है ये इतर वाला? मुश्ताक भाई बोलो बेटा, बड़े हैं तुमसे और आते क्योंकि मैंने उन्हें बुलाया था। क्यों? अकेलापन दूर करते हैं, मेरा दोस्त है, मेरे आशिक है। अम्मी से ऐसे बात करते हैं? आशिक है। हाथ में दोलो, मैं रोटी बनाती हूँ। अब्बू को गुजरे 2 साल भी नहीं हुए अम्मी। तू नहीं समझेगा, किसी के साथ रहकर भी इंसान सालों साल अकेला हो सकता है। अरे इज्जत विज्जत भी कुछ चीज है या नहीं अम्मी? और क्या वो निकाह करेगा तुमसे? शादी शुदा है, एक से ज्यादा बार शादियां कर चुका है अम्मी, उसकी भी गम बनोगे तुम? ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? बोलो अम्मी। मुझे कुछ नहीं बोलना। तुम नहीं बोलोगी तो जमाना तो बोलेगा, और बोलेगा नहीं थूकेगा अम्मी। ना अम्मी मिलना बंद कर रही थी और ना मुश्ताक, मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की थी। मुश्ताक भाई, आज के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे। शायद मियां, अभी तुम छोटे हो। चुप। मना कर दिया ना आपको? अम्मी है वो मेरी, इज्जत है उनकी और मेरी भी इज्जत है, समझे? पर वो दोनों रुके नहीं, मिलते रहे चुप चुप कर। लेकिन मुझे भी ना बदबू आ गई सर, उनसे अगर रहा नहीं जा रहा तो मुझसे सहा नहीं जा रहा था।
मुश्ताक की बीवी हसीना, उसने भी तुम्हारा साथ दिया था? नहीं सर, मैं उसे नहीं जानता। मैं तो वहां पे मुश्ताक को मारने गया था। पूरी तैयारी के साथ गए थे, चेहरा छुपाकर? मैंने वो किराने वाले की दुकान पे सीसीटीवी देख लिया था, तो मुंह ढक लिया। मेरा इरादा था कि मैं उसके घर जाके उसका गला दबा दूंगा और फिर चैन से जीऊंगा, मगर दरवाजा उस बच्ची ने खोला सर। मेरे तेरे इतना गुस्सा भरा होता कि मुझे समझ में नहीं आया, मैंने उस बच्ची का गला दबा दिया सर। मैं वहां पर मुश्ताक को मारने गया था सर, मैं मुश्ताक को मारना चाहता था, बच्ची को नहीं मारना चाहता था। उससे क्या होता, अगर तुम मुश्ताक को मार भी देते, पकड़े तो तुम तब भी जाते, तब भी यहीं होते अंदर लॉकअप में, और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होती, और बाहर तुम्हारी अम्मी और भी तनहा और भी अकेली हो जाती, फिर कभी ना कभी किसी और से दोस्ती होती, तो क्या तुम पूरी दुनिया को मारते फिरते? शाहिद ने जो भी किया वो मेरी वजह से किया, गुनेगार मैं हूं इस कत्ल की। आपने जो मुश्ताक के साथ रिश्ता जोड़ा वो आपकी जिंदगी का निजी फैसला था, इस पर सही या गलत की टिप्पणी ना हम कर सकते हैं और ना ही कोई और, लेकिन हाँ आपसे गुनाह हुआ जरूर है, शाहिद का अपराध छुपाने का गुनाह। मैं अपनी चीजें लेने के लिए आज शाम को या कल सुबह तक किसी को भेज दूंगी। मत जाओ हसीना, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ताज्जुब होता है मुझे मुश्ताक, तीन औरतें जिसमें एक मैं भी शामिल हूं कैसे तुम्हारे चंगुल में फंस गई, लेकिन अब पता चल रहा है ऐसी कई सारी औरतें थी। खैर हम तो अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन एक बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारी जान आफरीन के कत्ल के जिम्मेदार तुम खुद हो, उस मासूम की जान तुम्हारी करतूतों की वजह से गई है, और इस बात की सजा तुम्हें कानून दे या ना दे अल्लाह मियां जरूर देंगे। मोहल्ले की एक भी औरत मुश्ताक के खिलाफ शिकायत करने के लिए सामने नहीं आई, हम उसके खिलाफ कोई केस नहीं बना पाए, पर कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि मुश्ताक को उसके मोहल्ले वालों ने घर और दुकान बेचकर वहां से जाने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ है मुश्ताक के संगीन जुर्म, जहां उसने औरतों को बेहोश करके उनका बलात्कार किया, उन्हें ब्लैकमेल किया, पर कोई भी उसके खिलाफ शिकायत करने सामने नहीं आया। सभी विक्टिम्स के अपने अपने डर थे और उन सब ने उस डर के साथ जीने का फैसला कर लिया था। अगर आज के दौर के बारे में सोचें तो एक नामचीन हॉलीवुड प्रोड्यूसर के कुकर्मों के खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर मीटू कैंपेन ने आग लगा दी, जिसमें दुनिया भर की लाखों औरतों ने अपने साथ हुए सेक्सुअल हैरेसमेंट को बयान किया। सालों से, पीढ़ियों से औरतों की चली आ रही चुप्पी और डर मुश्ताक जैसे वहशी लोगों का हौसला बढ़ाती रही, और यह भी सच है कि ऐसे वहशी दरिंदों की करतूतों को जानने के बाद भी कई औरतें और मर्द उसके खिलाफ खड़े नहीं होते, गुनहगार को एक्सपोज नहीं करते। इस केस की दूसरी तरफ है एक जवान आदमी जिसे अपनी मां के इस फैसले से एतराज था कि उसकी मां अपने अकेलेपन और जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी मर्द से रिश्ता जोड़ रही थी। वो मर्द मुश्ताक ना भी होता तब भी शाहिद की प्रतिक्रिया वही होती। शाहिद, जरूरत है हम सभी संयम और मैच्योरिटी से काम लें ताकि जज्बातों पर काबू रखा जाए, उन्हें उमड़कर जुर्म का लावा ना बनने दिया जाए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।